दोस्तों अब आप अपने फोन से अपने वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी सुधार कर सकते हो। अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में आपकी फोटो सही नहीं आई है तो उसे आप सुधार कर सकते हो, आपका नेम चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हो या फिर एड्रेस बदल सकते हो या फिर कोई भी मिस्टेक है आपके वोटर आईडी कार्ड में उसे आप सुधार कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप ऑनलाइन एक फोन से अपने वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी सुधार करेंगे, यहां तक कि दोस्तों आप अपने फैमिली मेंबर्स के भी वोटर आईडी कार्ड में सुधार कर सकते हैं वो भी अपने फोन से। तो सब कुछ जानने के लिए बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। दोस्तों वोटर कार्ड में कुछ भी करेक्शन करने के लिए आपको वोटर हेल्पलाइन नेम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका जो इंटरफेस है कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी लैंग्वेज चूज कर लेनी है, फिर आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जाना है वोटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म 8, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपली लेट्स स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, जो भी मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल हो वो मोबाइल नंबर आप डाल के सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर दो। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जिसे आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप वेरीफाई करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो आपको यस के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। तो मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो मैं यस के ऊपर क्लिक रहने देता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है। ये जैसे आप डालोगे आपको फेज डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल दिया है, अब हम फेज डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि हमारी जो डिटेल है इन्होंने फाउंड कर ली है, बस आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। उसके बाद दोस्तों आपके वोटर आईडी कार्ड की पूरी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे आपका नेम शो होने लग जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे आप ऊपर आधार कार्ड नंबर डाल सकते हो। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट नीचे आना है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ये बाकी जो कॉलम है इसे आप ऐसे ब्लैंक छोड़ दो। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है, अब हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट करते ही दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो, मतलब कि अपने वोटर आईडी कार्ड में क्या बदलाव करना चाहते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सेकेंड ऑप्शन को चूज करना है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने सभी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे कि आप क्या चेंज करना चाहते हो, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन टाइप, रिलेशन नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और फोटो, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब एक समय में दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ 3 अपडेट कर सकते हो, यानी कि अगर आप फोटो अपडेट करना चाहे तो फोटो के ऊपर क्लिक कर दो। उसके बाद दोस्तों अगर आप अपने नेम में अपडेट करना चाहते हैं तो नेम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड साथ में अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 3 चीजें सेलेक्ट कर ली है, एक बार में सिर्फ 3 चीजें अपडेट होती हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद बस आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर दोस्तों आपको अपना न्यू नेम ऐड करना है, जो भी आप नया नाम अपने वोटर आईडी कार्ड में ऐड करना चाहते हैं वो बिल्कुल करेक्ट में यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने अपना नाम डाल दिया है। नाम डालने के बाद दोस्तों इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड ऑटोमेटिक ये दोस्तों आपका हिंदी में नाम आ जाएगा। अब नीचे जाना है, अगर आपका कोई सरनेम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो इसे आप ब्लैंक छोड़ दो अगर आपके पास कोई सरनेम नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्रूफ डालना है, अगर आप नेम चेंज करा रहे हो तो यहाँ पे आपको एक प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। प्रूफ में आप क्या दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो। तो इनमें से कोई भी अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है ना तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करके आप कैमरे से फोटो उस डॉक्यूमेंट की क्लिक कर लो या फिर गैलरी से आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो अभी का है, यानी कि जो आप चेंज करवा रहे हो नया वाला डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है, या फिर अगर आप एज डालना चाहें तो आप एज भी डाल सकते हो। एज डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, यहाँ पे दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए भी एक डॉक्यूमेंट देना है। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इंडियन पासपोर्ट या फिर सर्टिफिकेट ऑफ, मतलब कि आप 10th की सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। तो इनमें से जो भी है प्रूफ ऑफ बर्थ है तो वो भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे हम पैन कार्ड देंगे तो
कंट्री से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको अपलोड करना है जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। यहाँ पे 2 MB तक का फाइल साइज है, 2 MB तक में आप इसे अपलोड कर सकते हो। अपलोड के ऊपर क्लिक करके आप कैमरे से फोटो क्लिक कर लीजिए या फिर गैलरी से, उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जस्ट आपको नीचे आना है। यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाता है फोटो का, जैसा कि मैंने बताया कि हम फोटो भी चेंज करने वाले हैं, तो जो भी आप नया फोटो रखना चाहते हैं अपने वोटर आईडी कार्ड में वो फोटो दोस्तों आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर सकते हो, यानी कि डायरेक्ट फोटो क्लिक कर लीजिए या फिर गैलरी से क्लिक करके अपलोड कर लीजिए। यहाँ पे जो फाइल की साइज होगी दोस्तों वो मैक्सिमम 200 KB की होगी, इससे ज्यादा का आपको नहीं रखना है। ये सब चीजें होने के बाद बस आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सब कुछ अपलोड कर लिया है, अब जस्ट हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे दोस्तों आपका नेम आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना प्लेस डाल देना है, कहाँ से आप इसे अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आप अपने प्लेस का नाम डाल दीजिए। डेट ऊपर ऑटोमेटिक आ जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सब कुछ होने के बाद बस आपको डन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे दोस्तों आपके वोटर आईडी कार्ड की जो पूरी डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको सिंपली नीचे एक कंफर्म का बटन दिखेगा, जैसे दोस्तों आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करोगे ना आपकी जो फाइल है ये सबमिट हो जाएगी और आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। जहाँ दोस्तों उसी रेफरेंस नंबर को आपको संभाल के रखना है, उसी रेफरेंस नंबर के जरिए दोस्तों आप अपनी फाइल को ट्रैक करोगे, एप्लीकेशन को ट्रैक करोगे। कैसे ट्रैक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको एप्लीकेशन के होम पेज पे आना है और ये जो 3 लाइन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाता है स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो आपको रेफरेंस आईडी मिली होगी उसे आपको यहाँ पे डाल के ट्रैक स्टेटस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी स्टेटस आ जाएगी कि इस समय आपका अपडेशन हुआ है या फिर नहीं, उसमें कितना समय लगेगा, सब कुछ गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।